अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो, बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने थोड़ा व्लॉग लेट कर दिया, आज मैं आपसे रमज़ान की रूटीन शेयर करूँगी कि मेरी छोटे छोटे कौन से काम होते हैं, तो हमारी कैसी जाती है इफ्तारी की तैयारी। चलते हैं जी सहरी की तरफ, सहरी का टाइम हो गया। वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। हम सब की फरमाइश पर यहाँ पर बन रहा है बलो वाला पराठा, मामा हमारे लिए बना रही है। मैंने फिर ये बर्तन वगैरह इकट्ठे किए सारे लेके डिश में मैंने रखे, तो मैंने रख दिए। हमारा अब दस्तर खान लग चुका है। हमारी सहरी में थोड़ी चीज़ ये चीज़ होती है, दही होता है और सालन। हमारा और कुछ कम से और कुछ खाया नहीं जाता, क्योंकि इतना ही खाया जाता है बड़ी मुश्किल। ये वो ड्यूटी है जिससे हम काम से तो हम जान छुड़ा ही नहीं सकते, बर्तन धोना, हर खाने के बाद बर्तन धोना स्टार्ट। 6.5 hours later मेरी अब छोटे छोटे कामों की रूटीन स्टार्ट हो गई। मैं करने जा रही हूँ दही के लिए दूध बॉयल और शेक बनाने के लिए दूध बॉयल करने लगी। ये मेरा सबसे ही फेवरेट काम है, जब भी रमज़ान आता है तो मुझे ये रूटीन याद आ जाती है और मुझे इंतज़ार पहले ही होता है। ये मैंने दही के लिए कर लिया और फिर शेक के लिए भी दूध रखने के लिए। अब ये स्टार्ट है मेरी समर रूटीन, बोतलें भरना, पानी भरना, ठंडा पानी करने के लिए बोतलें भरना, और ये तो मेरी कॉमन ही ड्यूटी है। सबसे मुश्किल काम आ गया जी गजाली का, रूम साफ करना। मैं 2 घंटे बाद देखा नीम गर्म हो गया दूध, मैं दही जमाने लगी हूँ। इसको मैं थोड़ा सा डाल के मिक्स कर लूँगी अच्छे से। अब मैं इसको अच्छे से कवर कर लेने लगी हूँ, इधर रख के हॉट पॉट में मैंने रख लिया। इसको कवर करके फिर मैं अच्छे से फिर टॉवल में फिर मैं इसको कवर कर लूँगी। ये मैंने टॉवल से अच्छे से कवर कर लिया, तो इसको मैं शाम को ही मैंने घर में। आप सब भी कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, इसके लिए तो आप ज़रूर टाइम निकाला करें, ये तो मस्ट है। हमारी इफ्तारी की जो है तैयारियाँ वो शुरू हो गई है। ये मामा ने समोसियों का मटेरियल बनाया, आलू भी, और यहाँ पर मैं अपनी वीडियो देख रही थी इस मामी के मोबाइल के साथ साथ, और ये समोसियों का मटेरियल नहीं ये है आई थिंक दही बनेगा। हाँ जी दही बनेगा, ये दही बने रखे हैं और ये आलू हैं, चने हैं, सारा मटेरियल मम्मा ने बना दूध रख लिया। और यहाँ पे दही भले भी गर्म होने जा रहे हैं, गर्म पानी कर लिया था। ये चटनी भी बनी हुई है, सारा कुछ तैयार किया है मम्मा ने। ये भी मटेरियल है समोसियों का, ये भी मटेरियल बन चुका है, तकरीबन बन ही गया। मम्मा ने अब समोसियाँ तैयार करना भी शुरू कर ली है। मामा सारा काम कर रही थी और मैं बस मामा को देख रही थी, सारा डांट खा रही थी। दूसरा स्टेप दोहराएगी समोसे का। यहाँ मामा ने ब्रेड क्रम्स रखे हुए थे सुखा के, तो मामा ने कहा था ये नगर्स के लिए काम आएंगे ब्रेड क्रम्स, तो एक दिन पहले इसको रख लिया था। अब ये फ्राई होने जा रही है समोसियाँ। एक मामा ने रखा, मामा कहती ठहर जो अभी मैं वीडियो भाग के बनाने लगी। बाकी मामा ने ऐसे फ्राई हो रहे हैं आस्ता आस्ता। यहाँ पे मामा ने चाट मिक्स भी कर ली, मुझे पता ही नहीं लगा, तो मैंने कहा चलो यहाँ से आपको दिखा देती हूँ कितनी प्यारी लग रही इसकी लुक जो है। अच्छे से मामा ने मिक्स मिक्स कर लिया, मिक्स मिक्स। अभी ये मामा प्लेट में निकाल रही है कुछ। यहाँ पे मेरे भाई जो हैं शेक बना रहे हैं बड़े मज़े मज़े का। मेरे भाई को हवाई से छुट्टियों के लिए, तो उनको कामों पे लगा दिया, उनको हमने शेक की ड्यूटी लगाई। मैं उनकी वीडियो बनाई फिर बड़ा मज़ा आया। मामा ने प्लेट तैयार की थी, नीचे आंटी रहती हैं, उनको मैं देने जा रही थी। प्लेट तैयार होगी, आप भी ज़रूर दिया करें। हमारा इफ्तारी का टाइम स्टार्ट हो गया, दस्तरखान भी रेडी है, दही भले भी रख दिए, समोसियाँ भी रख दी, ये स्ट्रॉबेरी शेक और ये देखिए समोसियाँ और ये पकौड़े, थोड़े थोड़े से छोटी छोटी सी चीज़ें हमारी, इसी से ही हमारा दस्तरखान बहुत प्यारा बन जाता है माशाल्लाह। बर्तन धोने की बारी, तो ये तो मस्ट ही है ना, इफ्तारी के बर्तन मेरे तो अब इफ्तारी करके तो बस बस हो जाती है, जैसे ना बीपी लो हो जाता है। तो मैं अब यहाँ पे व्लॉग को एंड करती हूँ। मेरा आपको व्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलती रहूँगी रमज़ान में, अच्छे अच्छे व्लॉग दिखाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।